हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग एक व्लॉगिंग कर रहे हैं। व्लॉगिंग में हम लोग आपको दिखाएंगे बेंगलोर में एक मोस्ट वांटेड मॉल है। वो मॉल बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही चर्चे में रहा है। वो मॉल बहुत ही फेमस मॉल है। मॉल को देखने के लिए हम लोग आज सुबह ही निकले हैं और हमारे घर से जाने में कम से कम 1.5 घंटा लगता है, तो बाइक से जाना ठीक नहीं था, इसलिए फोर व्हीलर में हम लोग आ रहे हैं। नाम उनका लुलू है, हाइपर मार्केट भी बोलते हैं, और दुबई का लुलू नहीं है, तो हाइपर मार्केट भी बोलते हैं उसको, और उसको ग्लोबल मॉल भी बोलते हैं उसको। क्या क्या नाम है वहाँ पे जाके देखेंगे, एक्चुअल में नाम क्या है और किस तरह का है, सब मॉल से डिफरेंट है। ये मॉल बहुत ही खूबसूरत है। हम लोग चलो देखते हैं ये मॉल कैसा है, फिर आपको दिखाते हैं किस तरह का ये वेल डिजाइन्ड मॉल है, तो आप लोगों को पता चलेगा। देखते हैं, आप ले रही है हमारे आज के ब्लॉग के साथ। तो गाइस, फाइनली हम लोग, ये रहा आपका लुलू मॉल, लुलू हाइपर मार्केट, ये ग्लोबल मॉल। देखिए क्या नज़ारा है यहाँ का। ये नज़ारे को तरस रहे थे बहुत दिन से हम लोग आने के लिए, कितना दिन प्लानिंग किए, लेकिन आज ये प्लानिंग धूप के टाइम में ही हो गया, बदनसीबी से धूप के टाइम में ही हो गया, धूप में जलते हुए। यहाँ पे गर्मी फिर भी है, बहुत गर्मी है आजकल का मौसम, तो मतलब ये फरवरी मार्च अप्रैल में तो बिहार का ही मौसम अच्छा है, यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप देखते रहिए कितना खूबसूरत है ये मौसम। ये देखिए गार्डनिंग यहाँ क्या हुआ है, गार्डन यहाँ का कितना खूबसूरत गार्डन है, ये बाहर का भी गार्डन है, वाकई ब्यूटीफुल लग रहा है ये हैं। ये लुलू मार्केट ये काफ़ी ऊंचाई पे लग रहा है, अभी से हम लोग बहुत नीचे हैं, लगता ऐसा है 2 फ्लोर हम लोग डाउन है। ये देखो मेरा बेटा कितना एंजॉय कर रहा है यहाँ पे। जब भी कोई मॉल आता है ये सबसे पहले बास्केट पे का नज़र पड़ता है और ये बास्केट में बैठ जाता है और बास्केट में बैठ करके एंजॉय करता है पूरा मॉल। नजारा है यहाँ से, ओह माय गॉड, इतना अच्छा है ना, मतलब हर एक फ्लोर में आपको लाइट से नहीं धूप से भी आपको काम चल जाएगा, लाइट अगर ऑन नहीं रहेगा तो। ये बेसमेंट जाने का है, डिजाइन एक से एक डिजाइन यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। लुलू हाइपर मार्केट, तो ये लोग लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, लिफ्ट में ये लोग जाएंगे क्योंकि मम्मी हैं तो लिफ्ट में जाना पसंद करते हैं। इस मॉल में एक नया चीज़ हमको अभी मिला, वो है यहाँ पे एक बांस का पेड़ लगा हुआ है। ये देखिए बांस का पेड़ कितना अच्छा से लगा हुआ है और ये नेचुरल नहीं है लेकिन बांस का पेड़ ही जैसा दिखता है,
तो इसीलिए हमको बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि ये तो हर एक मॉल में नहीं मिलता है देखने को रहता है। और ये डेस्क हेल्प डेस्क है, डिजिटल हेल्प डेस्क है, लेकिन इस तरह का हेल्प डेस्क बहुत कम यूज होता है हर एक मॉल में, लेकिन ये मॉल नया है, यहाँ पे बहुत भीड़ है, इसका बहुत यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टोर्स भी नए नए हैं और सब कुछ नया है। पैंटलून्स के अंदर आ गए हम लोग। देखिए ये लोग शॉपिंग करना स्टार्ट भी कर दिए हैं बच्चे के लिए। बच्चे के लिए यहाँ पे अच्छा अच्छा कपड़ा मिल जाता है। ये देखिए शाहदेव कहाँ है, अभी पता भी नहीं चल रहा है कि शाहदेव कहाँ है, लेकिन शाहदेव इन कपड़ों के अंदर में छुप जाता है। शाहदेव बाहर निकलो बेटा, बाहर निकलो, पता ही नहीं चलता है ये लड़का कहाँ जाके छुप जाता है। ये देखिए, ये देखिए, आ जाओ बेटा, मम्मी चले गए बेटा। ये देखिए ये लड़का हमको अकेले घूमते घूमते बहुत टाइम हो गया है। अब हम जा रहे हैं उन लोगों को खोजने के लिए, वो लोग कहाँ पे है फोन भी नहीं लग रहा है। तो हम खोज खोज के परेशान हो गए यहाँ पे उनको, वो लोग कहाँ है नहीं है पता नहीं, लेकिन ये तीनों मिल गए हमको कि हमारे फ़ोटो क्लिक कर दो प्लीज़, हमारे तीनों का फोटो एक साथ क्लिक करो। तो आप लोगों का फोटो अच्छा है ओके, परेशान हो गया, अब तो गुस्सा भी आने लगा है थोड़ा थोड़ा, समझ में नहीं आ रहा ये लोग कहाँ बैठे हैं, कहाँ हैं नहीं हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन दूसरा विंग में चलते हैं। ये देखिए ये लोग यहाँ पे बैठ के आराम फरमा रहे हैं। वाह रे वाह, हमको छोड़ के, हम तो सोचे थे पता नहीं तुम लोग खाना खाने चले गए, फिर क्या हुआ बाबू को, अंकल चोट लगा दिए, बेटा को अंकल चोट लगा दिए, क्या बेटा क्यों रो रहे हो, पापा खो गए थे क्या। अब देखिए अब भूख लगी है तो चले खाना खाने के लिए, कुछ क्या क्या खाएंगे यहाँ पे, ओहो इनका फेवरेट तो केएफसी है, केएफसी में बोनलेस चिकन। क्या बेटा चोट लग गया, ओ अरे बाबा ये कौन, क्या खाना है, क्या वही ले लो, वही क्या ओ जो खाते हैं, नया कुछ टेस्ट नहीं करोगे काउंटर में, यह हमारा 8 नंबर का जो काउंटर है बोनलेस स्ट्रिप पॉकेट, आपको भी हम जूम करके दिखाएंगे। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा पसंद है, 8 पीस भी आता है और बहुत ही अच्छा रहता है खाने। जगह खोज खोज के परेशान हो गए कैफ़े का होटल में, जब ले लिए लेने के बाद फिर अभी एक ये भैया है हम लोग को जगह दिए बैठने के लिए। भीड़ है यहाँ पे, पता नहीं आज संडे है इतनी भीड़ है या फिर ये मॉल है ना कुछ ज़्यादा ही मतलब लोग को स्पेशल बना के रखे हैं, मतलब बहुत ही डिमांड है लोगों को कि देखना है कि लुलू मॉल जाना है, लुलू मॉल जाना है। तो इस तरह से हाँ चलिए, तो इस तरह से हम लोग भी सोचे एक बार के जाके घूम के आएंगे लुलू मॉल, क्या खास है लुलू मॉल में। और तो आज आ गए, वाकई लुलू मॉल हम लोगों को बहुत ही पसंद आया, लुलू मॉल में जितना इन्जॉय किए और दूसरे मॉल में इंजॉय नहीं होता उतना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आप लोगों को कितना मज़ा आया ये मॉल, आप लोगों को कितना डिफरेंट लगा ये मॉल, तो इस तरह से आप लोग ज़रूर बताइए क्या ये मॉल वाकई दूसरे मॉल से अच्छा है या फिर सब कुछ नॉर्मल। ये है लुलू फैशन स्टोर, कुछ नहीं बस कपड़े का ही है सब कुछ, तो क्या है सब कुछ है, तो क्या एक बार घूम लिया जाए, एक बार चक्कर लगा लो, चक्कर लगा ली, वीडियो में बोलिए क्या नहीं है, वीडियो अलाउ नहीं है, ओके ओके वीडियो कर लेते हैं, फिर भी वीडियो अलाउ नहीं है बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, थोड़ा सा अलाउ कर दिए, परमिशन दे दिए,
देखिए इतना हंस के बोलेंगे वीडियो अलाउ नहीं है तो कौन मानेगा भाई। वाकई मॉल तो खैर बहुत अच्छा लगा है ना, चीज मिल जाएगा, हर चीज मिल जाएगा ना, सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, ये देखिए बच्चे को क्या पसंद आ गया है, क्या है वो बाबू का खिलौना पसंद आ गया है क्या? कितना मजा कर रहा है, देखिए बहुत सारे टॉयज है यहाँ पे, टॉयज का रेट भी बड़ी खतरनाक है यहाँ पे। चलो 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 चलो, थक गए यहाँ पे आके बैठ गए बेटा, बेटा आराम करेंगे हैं? हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, तरह का ब्लॉगिंग हम करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉगिंग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नया वीडियो आए तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो ओके गाइस, कीप वॉचिंग।